माहौल को तैयार करने के लिए जिस वक्त में हम तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, जब हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, उस समय में हम एक ऐसी महफिल आज सजा रहे हैं, तो मैं एक ऐसी नई प्रतिभा जो हमारे बीच जयपुर से आई है, गोपाल लाल गुजर, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें गोपाल लाल गुजर जी का। वो जयपुर से हमारे बीच पधार रहे हैं। मंच लाफ्टर चैलेंज के विजेता आदरणीय बड़े भाई साहब सुरेश जी अलबेला जी को प्रणाम करता हूँ, और कवि चौपाल के माध्यम से आज मुझे ये पहला मंच प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज सुबह में जब जयपुर से कोटा के लिए निकल रहा था, तो सबसे पहले सुबह सुबह सामान पैक करते वक्त मेरे मन में एक सवाल रहा कि कोई रह तो नहीं गया कि सर्दी लग जाए तो कम्बल रह गई हो, टाइम देखूंगा तो घड़ी रह गई हो, तो सारा मैंने पैक किया। उसके बाद याद आया कि यार मेरा चश्मा तो रह ही गया, तो मैंने घंटी बजाई, बीवी मेरे पे चिल्लाई, बोले अब क्या रह गया जान। मैंने कहा शादी के 7 साल बाद और आज जान कह रही है, बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसने कहा जी वो तो इसलिए कह दिया कि आप जल्दी में थे, जानवर कहने में टाइम लग जाता। मैंने कहा भाग्यवान मेरा चश्मा रह गया, जरा वो दे दे, वहां अलबेला जी आएंगे तो मुझे पहचानेंगे, लेकिन उसमें मैं थोड़ा अच्छा नहीं लगूंगा। तो उसने बालकनी से नीचे गिराया और मैं लपक नहीं पाया, चश्मा टूट गया भाई साहब। अब टूट गया तो टूट गया, घड़ी में टाइम इसलिए नहीं देख रहा मैं कि भाई कितनी देर बोलना है, ये भी नीचे ही धर्म पत्नी ने गिराई थी, ये भी टूट गई भाई साहब। अब मैं पत्नी पर चिल्लाया, मैं बोला और भी कुछ रह गया तो रुक जा। वो बोली तुम तो हो ही ऐसे, ये रुमाल बचा है तुम रुक जाओ, मैं नीचे ही देने आ रही हूं। हद हो गई भाई साहब, समय की सीमा है, काफी सारे लोग हैं, हंसी मजाक बहुत सारी अपन कर सकते हैं, लेकिन इस कोरोना की परिस्थिति में कोई ना कोई हमसे छूट गया है जो आज हमारा कवि चौपाल नहीं सुन पा रहा है। भाई साहब की मैं जयपुर में मिला था अभी इनसे, जल महल चौपाल पे बहुत अच्छा कार्यक्रम था, उससे कुछ पूर्व समय ही मेरा भाई भी दुनिया छोड़ के गया था, छोटा भाई था। प्रेम पर कविताएं सब पढ़ते हैं और मोहब्बत आशिकी पहाड़ झरने जुल्फें तेरी जुल्फों में सो जाऊं सब पढ़ते हैं, लेकिन शायद मेरा भाई भी गया, किसी और का भाई भी गया, भाई पर कविता आज तक मैंने बहुत कम मंचों पर पढ़ते हुए सुना। तो भाई साहब की इजाजत हो तो मेरी ट्रेन में बैठे बैठे लिखा है मैंने, तो वो कविता पढ़ लूं मैं। कि कोई ला के दे दे मुझे भाई मेरा, कि कोई ला के दे दे मुझे भाई मेरा, वो बचपन का साथी वो दुलारा मेरा, कोई ला के दे दे मुझे भाई मेरा, वो बचपन का साथी वो दुलारा मेरा। यूं सोचा न था कि जीना पड़ेगा तेरे बिन भाई, अकेला रहना पड़ेगा, यूं सोचा न था कि जीना पड़ेगा तेरे बिन भाई, अकेला रहना पड़ेगा, कोई लाके दे दे मुझे भाई मेरा, कोई
तेरी लाके दे दे मुझे भाई मेरा। और सुनिएगा, सच मेरे आंसू में डूबे थे तो कोरोना में जिनके भी भाई खोए हैं उन्हें जरूर याद आएगी। कहना चाहता हूँ भाई साहब कि वो थी सब ख्वाबों ख्वाबों की बातें, याद है मुझको वो दिन रातें, थी वो सब ख्वाबों ख्वाबों की बातें, याद है मुझको वो दिन वो रातें। अब खड़ा हूं मैं एक ऐसे मझदार में, स्वयं के लिए कह रहा हूं, अब मैं खड़ा हूं एक ऐसे मझदार में जिसमें चलना भी होगा झूठा हंसना पड़ेगा, कि जिसमें चलना भी होगा झूठा हंसना पड़ेगा। कोई ला के दे दे मुझे भाई मेरा, वो बचपन का साथी वो दुलारा मेरा, कोई ला के दे दे मुझे भाई मेरा। और मैं जयपुर में रहता हूँ, वो गांव में रहता था, जिस प्रकार राम को लक्ष्मण प्यारे थे, लक्ष्मण के आपने सबने रामायण देखी थी लॉकडाउन में, और याद भी है कि शक्ति तीर एक बार लगने के बाद राम का किस प्रकार हृदय तड़पने लग गया था कि घर जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा, पत्नी को हर लिया गया और भाई युद्ध में मारा गया, बहुत बड़ी विडंबना थी उस समय। तो मैंने उसे पंक्ति देने की कोशिश की है, सुनिएगा कि तेरा गांव से चलकर जयपुर आना मुझे भाई जगे जगे यूं घुमाना, तेरा गांव से चलकर जयपुर आना मुझे जगे जगे यूं पर घुमाना, राम को जैसे लखन मिला था, राम को जैसे लखन मिला था, इस जन्म में भाई मुझे तू मिला था, राम को जैसे लखन मिला था, इस जन्म में भाई मुझे तू मिला था। सोचा न था कि जल्दी बिछड़ना पड़ेगा, तेरे बिन अकेला रहना पड़ेगा, कोई ला के दे दे मुझे भाई मेरा, वो बचपन का साथी वो दुलारा मेरा। और भाई में अक्सर झगड़े वगैरह होते ही हैं, ऐसा कोई संसार में भाई नहीं है जिसमें झगड़ा वगैरह नहीं होता हो। मैंने उस झगड़े को भी लाइन देने की कोशिश की है कि जितना झगड़ता था तू मुझसे भाई, उतना ही प्यार करता था भाई, कि जितना झगड़ता था तू मुझसे भाई, उतना ही प्यार करता था भाई, चेहरे को देख मेरी उलझन, कि चेहरे को देख मेरी उलझन झट से दूर करता था भाई, कि चेहरे को देख मेरी उलझन झट से दूर करता था भाई, अब तेरे बिन हर उलझन को सहना पड़ेगा, तेरे बिन मेरे भाई जीना पड़ेगा, कोई ला के दे दे मुझे भाई मेरा, वो बचपन का साथी दुलारा मेरा। आखिरी मुक्तक और फिर मेरा विश्वास ग्रहण करना चाहूंगा, और मैं अलबेला जी के सामने स्वीकार करता हूं कि मुझे पता नहीं था वहां जाने के बाद मुझे क्या पढ़ना है, मैं केवल भाई साहब का बहुत बड़ा फैन था, बहुत बड़ा आदर करता हूं, मैं सिर्फ इनके लिए ही आया था। फिर मेरा भाई साथ आया, पड़ोसी है, दोस्त है, भाई की जैसे हैं, उसने कहा कि वहां पढ़ेगा क्या, मैंने कहा देखा जाएगा।
रास्ते में मैंने कविता बनाई, मैंने कहा प्यार पे मैंने बहुत लिखी, चुटकुले बहुत हंसाए, लोगों को बहुत हंसाए, क्योंकि मैं छोटे मोटे मंच भाई साहब की हंसी मजाक से करता रहता हूँ तो मिलता रहता है। तो आखिरी पुस्तक सुनिएगा और फिर मैं राजस्थान ग्रहण करता हूँ कि इस पीड़ा से किसी के लिए तो हम सुन लेते हैं भाई चला गया, लेकिन जिसका जाता है उसको पता चलता है क्या होता है, और खासकर माता पिता। तो आखिरी में माता पिता की लाइन जोड़िए, सुनिएगा कि मम्मी से मिला प्यार पापा से मिली सखताई, कि मम्मी से मिला प्यार पापा से मिली सखताई, पर मैं उन्हें अब कैसे संभालूं भाई, पर मैं उन्हें अब कैसे संभालूं भाई, टूटा बुढ़ापे मैं उनके दुखों का पहाड़ है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, टूटा उनके दुखों का पहाड़ है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, अब तेरे बिन हर पहाड़ पर चलना पड़ेगा, तेरे बिन मेरे भाई जीना पड़ेगा, कोई ला के दे दे मुझे भाई मेरा, वो बचपन का साथी